खबर की तरफ, केंद्रीय जल संसाधन सचिव शशि शेखर की अगुवाई वाली समिति तमिलनाडु और अन्य राज्यों को छोड़े जाने वाले कावेरी नदी के पानी की मात्रा तय करने के लिए आज बैठक कर रही है। समिति कोई भी फैसला लेते वक्त कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश का पूरी तरह से पालन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर के अपने अंतरिम आदेश में कर्नाटक सरकार से कावेरी नदी का 15,000 क्यूसेक पानी रोजाना अगले 10 दिनों तक तमिलनाडु को जारी करने को कहा था। कोर्ट के इस आदेश के विरोध में कर्नाटक में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट नदी जल विवाद मामले में कर्नाटक की याचिका पर आज सुनवाई हुई है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल पुनिया मौजूद है। अनिल, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है कर्नाटक के इस याचिका के बाद? देखिए, दो डिस्कशन के बाद ये 15,000 क्यूसेक प्रतिदिन के आधार पर जारी करने का निर्देश कर्नाटक को दिया गया था। कर्नाटक इस वजह से पानी को इनकार नहीं कर सकता कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। अदालत ने इस पर नाराजगी जाहिर की और मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट पर तमिलनाडु और कर्नाटक, चूँकि पानी का क्राइसिस दोनों ही जगह है, तो इस पर अदालत ने जो मॉडिफिकेशन किया है वो ये किया है कि 15,000 से 12,000 क्यूसिक पानी जारी करना पड़ेगा और अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी, जो पहले 16 तारीख को होनी थी। आज चूंकि छुट्टी का दिन था, छुट्टी के दिन भी अदालत ने बैठी और मॉडिफिकेशन के लिए अभी इस पर अंतरिम आदेश पर जो 5 सितंबर को अदालत ने 15,000 क्यूसिक प्रतिदिन के आधार पर जारी करने का निर्देश कर्नाटक को दिया था, वो सुप्रीम कोर्ट में इस मॉडिफिकेशन के लिए आई थी कि इस पर फिलहाल रोक लगाई जाए, स्थगन आदेश पारित किया जाए और उस पर कमेटी की सिफारिशें आने के बाद में दोबारा से सुनवाई हो और 15,000 क्यूसेक प्रतिदिन पानी देना कर्नाटक के लिए संभव नहीं है। लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब व्यवस्था दी है कि 15,000 के बजाय 12,000 क्यूसेक पानी तो जारी रखा जाए और कमेटी चूंकि एक्सपर्ट्स की है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल स्टेट का मैटर है, वो जाने, लेकिन अदालत का आदेश उस पर अमल किया जारी रहेगा और कमेटी की अगली रिपोर्ट के बाद 20 सितंबर को सुनवाई होगी। असीम, अनिल, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो कहा गया था कर्नाटक को कि आप 15,000 क्यूसेक पानी रोजाना छोड़िए, उसमें 3,000 क्यूसेक की कमी की गई है, अब 12,000 क्यूसेक ही पानी छोड़ना पड़ेगा तमिलनाडु के लिए? जी हाँ, ये व्यवस्था दी है कि अभी आप फिलहाल 15,000 की स्थिति में नहीं है तो 12,000 क्यूसेक जारी रखा जाए और अगली सुनवाई पर कमेटी की क्या रिपोर्ट आती है, आगे का आदेश अदालत 20 तारीख के बाद सुनवाई के बाद तय करेगी। और अदालत ने लॉ एंड ऑर्डर इस दलील को नकार दिया कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का कोई मतलब नहीं होता। जब विशेषज्ञ कमेटी की तमाम तथ्य अदालत के सामने आए तो अदालत ने कहा है कि इस पर स्थगन आदेश नहीं पारित किया जा सकता और ये पानी दिया जाना जारी रहेगा। लेकिन एक मॉडिफिकेशन ये किया है कि 15,000 के बजाय 12,000 क्यूसेक ही प्रतिदिन के आधार पर दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल पुनिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुँचाने के लिए। तो एक किस्म से कह सकते हैं कि कर्नाटक को जो 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, उसमें वस्तुस्थिति को देखते हुए कर्नाटक में, हालांकि कर्नाटक ने कहा है कि मेरे पास पानी उतना नहीं है कि हम तमिलनाडु को छोड़ सकें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राहत देते हुए 3,000 क्यूसेक पानी की कटौती की है और उन्होंने कहा है कि बाकी दिन जो अभी बाकी हैं उसमें 12,000 क्यूसेक पानी आपको तमिलनाडु को छोड़ना ही पड़ेगा।